सिंगला साहब बहुत वधिया उपराला है 100 बेडा का जरा तुसी इंतजाम कर दिता है। जरूरत सी संगरूर दे विच क्योंकि करोना की महामारी के केस लगातार बढ़ी जा रहे थे और जो सहूलत साडे को सिविल हस्पताल सी चाहे वह संगरूर च है चाहे मलेरकोटले है चाहे धूरी है वह हुण भरनी शुरू हो गई सी। सर कुछ जिहड़े हजे लोग ने जागरूक नहीं हजे भी सिर्फ टेस्टिंग कराने तो ही डर रहे ने। जे किसे नूं करोना हो जाए तो डरन की लोड़ नहीं है। करोना नूं आपां काबू कर सकते हैं करोना नूं हरा सकते हैं पर जे सही वक्त के उपर तुसीं डाक्टर नाल संपर्क करके कोविड के इलाज नूं चालू करा लो। और थोनों ये भी पता कि अज एक वैक्सीनेशन जरूर जिम्मेवार संगरूर एक ये भी कैंपेन चलाई है क्योंकि कई जगह के उपर लोगों को पहला ये लगता सी कि वैक्सीनेशन लगाने नाल पता नहीं की हो जूगा। जिवें जिवें करोना के केस वध रहे हैं उवें उवें जिहड़ियां सरकारां ने अपने लोगों को सेफ करने लिए अपने अपने तरह नाल उपराले कर रही ने। गल करदे आं संगरूर की, संगरूर जिले के कैबिनेट मिनिस्टर विजेंद्र सिंगला वालों भी एक उपराला किया गया है। तस्वीरों के देख सकते हो असीं खड़े हाँ संगरूर के माता महाकाली देवी के मंदिर के अंदर जिथे सिंगला जी वालों 100 बैडा का इंतजाम कर दिता गया कोविड वार्ड बनाया गया की सुविधावां ने इस वार्ड के विच की यह सारिया गल्ला करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर विजेंद्र सिंगला जी नाल गल करते हैं। सिंगला साहब बहुत वधिया उपराला है 100 बैडा का जिहड़ा तुसीं इंतजाम कर दिता है की कहना चाहते। जरूरत सी संगरूर दे विच क्योंकि करोना की महामारी के केस लगातार बढ़ी जा रहे थे और जो सहूलत साडे को सिविल हस्पताल सी चाहे वह संगरूर च है चाहे मलेरकोटले है चाहे धूरी है वह हुण भरनी शुरू हो गई सी। तो उत्थे आने वाले समय च जे करोना होर वध है तो साढ़े को लोगों ऑक्सीजन देने वास्ते सहूलत नहीं सी इस करके अज असी 100 बैड की फैसिलिटी ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर के नाल असी तैयार की है। और यह जिहड़ा कल्ला कल्ला ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर है ये 5 लीटर ऑक्सीजन जनरेट करता है तो बिजली नाल एक ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर जनरेट करता है। और तुसीं ये देखोगे कि ये ऑक्सीजन ये दोनों थोड़े नक् के अंदर जाती है और ये तुसीं आ देख लोगे कि ये प्रेशर आ रहा 5 लीटर ऑक्सीजन का और 5 लीटर ऑक्सीजन एक नॉर्मल बंदा जिहड़ा थोड़ा जिहा कोविड तो बीमार हुंदा उहदे वास्ते बहुत हुंदी है। और इसे मशीन के नाल तुसीं देख रहे हो कि यह ऑक्सीमीटर भी जुड़िया है तो तुसीं ऑक्सीमीटर नूं लगा के देखोगे तो जिहड़ी ये मशीन है ये थोनों उस कोविड पेशेंट की बॉडी की ऑक्सीजन लैवल्स की रीडिंग भी थोनों शेयर कर दूगी। सो कहण दा मेरा मकसद ये है कि ये जिहड़ा ऑक्सीमीटर हैगा ये इस तरीके नाल लोगों को सहूलत देने वास्ते चलाया और असी हर जगह के उपर सैनेटाइजर भी रखे और सैनेटाइजर के नाल नाल थर्मामीटर भी हर पेशेंट को देने की गल की है। इको ही टीचा है कि जे कोई बाई चांस पेशेंट ऐसा आ जाता जिन्हों ऑक्सीजन ज़्यादा लोड़ है उसके वास्ते ऑक्सीजन सिलेंडर की फैसिलिटी भी असी नाल क्रिएट की है क्योंकि एक लैवल तो बाद जी ऑक्सीजन है वो सिलेंडर के राही दी जा सकती है क्योंकि अज ना तो ऑक्सीजन अवेलेबल है कि ना ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है खाली तो ना भरन वास्ते ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो इस करके अज असी जी ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर है ये बिजली ना चलता है इस करके ये असी उरे लैके आए हैं ताकि असी 100 लोगों को एक वक्त दे विच एक सिविल हस्पताल तो अलावा एडिशनल फैसिलिटी दे सकीए। और इस असी कोविड सेंटर जिहड़ा बनाया है इनू असी सरकार नू समर्पित करता सिविल सर्जन नू ते डिप्टी कमिश्नर नू ते ओ इनू चलाउणगे सरकार दे डाक्टर इनू जदों पेशेंट्स सिविल हॉस्पिटल विच खत्म हो जाण भर जूगी फैसिलिटी उदू बाद लोग उरे आउणगे। सानू पता है कि साडे संगरूर दे सिविल हॉस्पिटल दे विच ऑक्सीजन का कोई प्लांट नहीं है ते आने वाले दिनों दे विच असी एक ऑक्सीजन का प्लांट संगरूर दे सिविल हॉस्पिटल दे विच एस्टैबलिश करन जा रहे हैं। और इस दे नाल नाल धूरी दे विच मलेरकोटले च भवानीगढ़ विच जिथे जिथे ऑक्सीजन के प्लांट्स की जरूरत है उस नूं गल्लबात चल रही है ताकि अज की डेट च ऑक्सीजन प्लांट भी अवेलेबल नहीं है तो जिथों जल्दी तो जल्दी प्लांट मिल सकता है असी उन्हूं लैके लगाइए ताकि असी अपनियां फैसिलिटीज़ दे विच लोगों नूं सहयोग कर सकीए सहूलत दे सकीए। और मेरी खास तौर पर सारे नूं हाथ जोड़ के बेनती है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वालों कोविड नूं लैके नॉर्म्स वख वख समय ते इशू हो रहे असी उन्हूं फॉलो करिए ये साढ़े हित वास्ते हैं ये साढ़े बेनीफिट वास्ते हैं चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की गल है चाहे मास्क की गल है चाहे सैनिटाइजर की गल है चाहे वैक्सीन की गल है
और थोनों ये भी पता कि आज एक वैक्सीनेशन जरूर जिम्मेवार संगरूर एक यह भी कैंपेन चलाई है क्योंकि कई जगह के उपर लोगों को पहले ये लगता कि वैक्सीनेशन लगाने नाल पता नहीं की होजूगा तो इस करके अज जरूरत है कि असी वैक्सीनेशन लगाइए। मैनू पता कि वैक्सीनेशन घट मिल रही है, असी 25 लाख वैक्सीन 18 साल तो लैके 44 साल के लोगों को लगाने वास्ते जदों भारत की सरकार ने मोदी जी की सरकार ने सीधे तौर पर खोली सी तो असी 25 लाख वैक्सीन ऑर्डर की सी, पर केंद्र सरकार ने सानू मई के महीने च सिर्फ 3,30,000 वैक्सीन ही दी है तो अज असी 3,30,000 के नाल काम चला रहे हैं। मेरी बेनती सारों है भी जिथे जिन्हों वैक्सीन मिलती है जरूर वैक्सीन लवाओ, ये वैक्सीन दे अगर साढ़े लग जाती है तो असी करोना रोक सकते हैं। और दूजी गल मैं कहना चाहना कि जे किसी करोना हो जाए तो डरन की लोड़ नहीं है, करोना आप काबू कर सकते हैं, करोना हरा सकते हैं, पर जे सही वक्त के उपर तुसी डॉक्टर नाल संपर्क करके कोविड के इलाज को चालू करा लो। कई बार असी डर के मारे चालू ही नहीं कराते इलाज को तो हालत खराब हो जाती है। और असी एक आने वाले दिनों असी एक हेल्पलाइन भी चालू कर रहे हैं जिदे हर तरह की इनफॉरमेशन कोविड दे मरीजों वास्ते अवेलेबल होगी भी कितने किन्ने बैड अवेलेबल हैं, कितने बंदा जा सकता है। और इस तो अलावा किसी भी कोविड पेशेंट नूं कोविड की कोई दवाई चाहिए हो दो घंटे में साडा वो हेल्पलाइन कले कले साथी दे घरे कोविड रिलेटेड मेडिसिन पहुँचाऊगा ते नाले जे किसी नूं कोविड वाले पेशेंट नूं कोई खाने की लोड़ है वो भी असी मदद करांगे ताकि असी अपने वालों इस कहर दे विच जो भी जिम्मेवारी नाल असी काम कर सकते हैं वो दे विच करांगे क्योंकि जो ये वाली ऐसी बीमारी तां सब वास्ते है, पर लेकिन असी जिन्ना कर सकीए असी उन्ना करना चाहते हैं। और मैं सारे नूं बेनती करना चाहना मेरी टीम के बंदे ने सारे ने हमेशा पिछले बार भी करोना च मेरे नाल मदद की तो इस बार भी कर रहे हैं तो अगे नूं भी असी हाजिर हैं। तो मैं सारे नूं हाथ जोड़ के बेनती करना चाहना वैक्सीन भी लवाओ, जे कदे करोना की बीमारी आ जाए उहदा इलाज कराओ चंगे तरीके नाल, ते जिहड़े जिहड़े लोग चाहे कोई होर पोलिटिकल पार्टी के लोग हैं चाहे समाज सेवा के लोग हैं चाहे साडियां कोई NGOs हैं सोशल ऑर्गनाइजेशन हैं वो सारे नूं मेरी बेनती है कि आप सारे मिल के जरूरतमंद लोगों की कोविड पेशेंट्स की मदद करिए, यह साडे वास्ते साडे वालों एक बहुत वड्डा टीचा होना चाहिए। सर कुछ जिहड़े हजे लोग ने जागरूक नहीं हजे भी सिर्फ टैसटिंग कराने तो ही डर रहे हैं उन्होंने जागरूक करने कोई मुहिम चलाई जाएगी? मैं तो पहले ही किया है कि जे टैसट कराओगे तो पता लगू कोविड पॉजिटिव है तो जे कोविड पॉजिटिव है तो वह इलाज होगा। तो मेरी बेनती सारे ये है कि कोविड रिलेटिड जी भी गल है उन्होंने आप समझो, अगर सरकार ने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो रिस्ट्रिक्शंस तां लगाई हैं कि असी अपने लोगों को बचा सकीए। तुसी देख रहे हो कि आज दूजी वेव आई है किन्ने लोगों की मौत हो रही है, जो तो पहली वेव आई सी करोना च लोग बीमार होए पर इन्नी मौत नहीं हुई साढ़े पंजाब या हिंदुस्तान दे विच, ते आज तुसी देख रहे हो कि मैं ये कहना चाहना कि बाहरले मुल्कां च पहली जो तो वेव आई सी बहुत लोग मर गए सी ते क्योंकि उदों तक वैक्सीन नहीं आई सी। इस करके मैं सारे नूं कहना चाहना टैसट कराओ, अगर कोविड है उसका इलाज कराओ, जो तो ठीक हो जाओ वैक्सीन लवाओ, तो जिन्हों कोविड नहीं है वो सब तो पहला जिथे वैक्सीन मिलती है असी भी अपना कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब 4-5 बार प्रधानमंत्री नाल गल कर चुके पंजाब की वैक्सीन बारे, और मैं भी कहना चाहना कि ज़्यादा तो ज़्यादा साढ़ू वैक्सीन मिले, असी चाहे खरीदनी हो अपने पद्धर से भी खरीदने वास्ते सरकार तैयार बैठी है, जिस तरह मैं थोड़ा कहा कि 25 लाख वैक्सीन का असी ऑर्डर दिता सी, तो जितों भी वैक्सीन मिलती है आपां नूं वैक्सीन लवानी चाहिए है। साडा इक्को टीचा है कि साडे सारे लोग वैक्सीनेट होन, जल्दी तो जल्दी करोना नूं असी काबू कर सकीए, और मेरा वादा है कि जो असी इस लड़ाई इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ांगे तो करोना हारूगा तो लोगों की जित होगी। ये साढ़े नाल सी कैबिनेट मिनिस्टर विजेंद्र सिंगला जिन्हों का कहना सी कि मैं लोगों नूं अपील करदा कि जिन्हों ने हले तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाई वो भी वैक्सीनेशन जरूर करवाण। संगरूर तो टोनी शर्मा फैक्ट न्यूज़। हक ते सच दी खबर ले लाइक ते सब्सक्राइब करो पंजाब दा नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल द फैक्ट न्यूज़।